कभी पूछे बजट नहीं बोलते। अब बजट कहाँ है, सरकार में नहीं है बजट, जो सरकार चला रहा है इनके पास है बजट, कहाँ एमएलए एमपी पीडीओ पूरे अधिकारी के पास कर्नाटक सरकार पूरा रेट डालने का तैयारी करना, पूरा उनके घरों को सब रेट डालना, प्रत्येक के इनके पास ही पैसा है, फार्मर पास नहीं, काम करने वाले पास नहीं, अधिकारी राजकारण लोग पास ही पैसा है, कौन सा डेवलपमेंट नहीं है, बोगस बजट होता है करोड़ों का, उनको सबको रेट डालना। और जो आईटी रेट डालते हैं, जिस सीबीआई ने आईटी रेट डालता है, वो रेट डालने वाले उनको भी आईटी रेट डालने को महीने के एक बार रेट डालना उनको, क्यों यूनू मिलको कॉम्प्रोमाइज करको, कितने रेट डाले तो पैसे बांट ले को पूरा बर्बाद कर रहे सरकार सो। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट, लर्न टू सक्सीड। इंस्टीट्यूट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, करंटली ऑफरिंग 20% डिस्काउंट्स, विजिट फॉर डिटेल्स एंड फ्री करियर काउंसलिंग एट एमजी रोड आदर्श नगर कलबुर्गी। हैदराबाद कर्नाटक भोई जनसेवा संघ का अध्यक्ष रिहेस हॉस्पिटल कार्मिक अध्यक्ष भगवान भोई बोल को, ये जो वो दो साल हो रहा है हमारा हाईटेक मार्केट सैंक्शनों को 15 करोड़ बजट भी दिया, अब तक काम का चालू नहीं किए। अब ये हमारा 75 से 80% कर्नाटक में रेशम विकास पूरा कम हो गया और उत्पादन कम हो गया। वजह क्या बोले तो रेशमी इलाके अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। ये 30 साल से आज तक 75 से 80% लोग रिटायरमेंट हो गए, नवा भर्ती नहीं किए, गुत्थी के आधार पे हो परमिट हो। अब 8 से 10 हज़ार लोग कायम भर्ती करना, फिर हमारा रेशमी इलाके में इतना काम बाकी है। अब रैत का हाईटेक मार्केट होना बहुत आवश्यकता है, क्यों ये जो मार्केट है गुलबर्गा में कम से कम ये 12,000 रैतांग का जवाबदारी का मार्केट है, गुलबर्गा में तो 2,500 लोग है। अब फार्मर यहाँ से जो कोस्ट लाता खेड़े से वो कम से कम 50 किलो का मोटा लाको गुलबर्गा, 45 किलोमीटर लाको और बेंगलुरु बस को डाल को 600-700 किलोमीटर जाना और 12 घंटा बस जाता, ऐसा होकर उनका क्वालिटी ख़राब होकर 185-200 रुपये रेट कम हो रहा फार्मर का। फिर वो बेंगलुरु वाले का क्वालिटी हमारा उतना क्वालिटी नहीं रहता, वो सादा क्वालिटी रहता रहा तो भी उनका रेट कैसा ज़्यादा होता बोले तो, उन्होंने एक 5 किलो 10 किलो पुट्टी में लेकर आते, छोटे छोटे थैले में लाते, मार्केट 15-20 किलोमीटर था, वैसा आपको उनका क्वालिटी ख़राब नहीं होता। ये हमारे फार्मर को इतना लॉस हो रहा है यहाँ गुलबर्गा जिले में, ये हाईटेक मार्केट सरकार सब सर्वे करके बनाया है। अब हमारा रीलरन का भी क्या है, जीएसटी निकाल देना, जो भी छोटा मशीन डालना बोले तो जीएसटी है। अब वो 10 लाख का मशीन है तो 3-3.5 लाख जीएसटी भरना पड़ता, ये 90% सब्सिडी पहले से भी है, एससी को अदर को 75%, ये कब से 30 साल से कोई मशीन नहीं डाल रही है सब्सिडी रहने से, ये जीएसटी पूरा निकाल देना। और कौन से बैंक में भी जो रीलर को खर्चा नहीं देते, क्यों पहले बहुत लॉस हो गए लोगों, उसके वास्ते केकेआरडी में रीलर और रेता का पट्टी उसमें इन्वॉल्व करना और रेशमी इलाके में 10 करोड़ रुपए केकेआरडी से रखना, फार्मर के रेशम रीलर क्या करना, अपना स्वंत भंडवल से खरीदी करके रेशम सूत वहाँ हमारे इलाके में रखना, वहाँ रखो और जो रेशमी इलाके का जो रेट रहता उसका रेट से 75 से 80% उसको पैसा देना, एक को 45 से 50 लाख रुपये टारगेट रहना। ये काम किया आपके सर, काम मांग कर रहे हैं आप, काम पे मांग क्या है, रेशम मार्केट हाईटेक मार्केट होना, केकेआरडीबी में हमारा नाम वो पट्टी में इन्वॉल्व होना, ये कम से कम 19 मन्नत है इसमें और मार्केट छोड़ को, और ट्रेनिंग सेंटर बनाना है। गवर्नमेंट पहले क्या करता, रेशम कोष गवर्नमेंट ही खरीद करता था पहले, उन्होंच रेलरों को रेता को ट्रेनिंग देती थी। अब गवर्नमेंट कारखाना नहीं है, निकाल दिए गवर्नमेंट कारखाना, कर्नाटक में एक भी नहीं है, पहले 200 कारखाना था, ये नवा एरिया है, एक बड़ा एक गवर्नमेंट का मशीन डालना, रेता को रेलरों को सब ट्रेनिंग देना, याद करना है यहाँ पर, क्यों ककू नवा बेंगलुरु में नहीं है, अब पूरा बेंगलुरु क्या हो गया, वो प्लाट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, ऐसा हो को 90% ककुन नहीं है, ककुन रहने का काम का है, इधर का सा है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, पूरा हैदराबाद कर्नाटक ककुन जा जाता, महाराष्ट्र भी गुलबर्गा ऊपर से रेले से जाता माल, इमीडिएटली हाईटेक मार्केट इन्हों एक महीने के अंदर बनाना, 45 टाइम दिए इनको, 45 दिन के अंदर नहीं बने इन्हों हाईटेक मार्केट बोले तो, हमारा जो गुलबर्गा जिले का रेशमी भवन है, ये रेशमी भवन हम क्या करते हैं 45 दिन बाद, ये रीलर को रेत को काम को नहीं आया, पूरा बंद करके हमारा मन्नत पूरे वाले हम रेशम का मार्केट चालू नहीं करने देंगे, पूरा चाहिए आपको स्ट्राइक करिए, हम सब स्ट्राइक करते हैं, हाँ स्ट्राइक करते हैं, 45 टाइम दिए उसमें, तुम्हें क्या कापी लो वैसा स्ट्राइक करते क्या खोलने का, वो काम कुछ नहीं आ रहा ना किसी को भी। अब उतना बड़ा मार्केट ये लोगों को लाख दो 3-3 लाख पगार देखो, कुछ काम ही नहीं है तो कहीं रखना हो, मैं ऐसा करता हूँ, वो नहीं करेंगे तो हम बंद कर देते पूरा, फार्मर रहता है सब हमारा भरा हुआ यूनिट है हमारा, हम बंद कर देते हैं, हमारा पूरा मन्नत होने के बाद ही सब छोड़ते हैं। अब दूसरा क्या बोलते हैं, बजट नहीं है बोलते, कभी पूछे बजट नहीं बोलते। अब बजट कहाँ है, सरकार में नहीं है बजट, जो सरकार चला रहा है इनके पास है बजट, कहाँ इन एमएलए एमपी पीडीओ पूरे अधिकारी के पास कर्नाटक सरकार पूरा रेट डालने का तैयारी करना, पूरा उनके घरों को सब रेट डालना, प्रत्येक के कितना बजट है इनके पास, पूरे अंक रेट डालेंगे, पैसे कमाने वाला कैसा रहता है उसके पास, ये नहीं रहता
नॉन वेज नहीं रहता, खोले तो मनुष्यत बोलते हैं ना करोड़ा में, इंसानियत नहीं रहता, उन पैसे कमाता, आईटी रेड को दर को किसी के नाम से पैसे नहीं करता, किसी को धान नहीं करता, कंपल्सरी तो रेड डालो, रेशमी इलाके सुधारने नहीं, पूरा इंडिया में नंबर वन हमारा कर्नाटक होता, पूरे इलाके सुधारने को ये लोगों को रेड डालना जरूरी है। पैसा मालूम है इनके पास ही पैसा है, फार्मर के पास नहीं, काम करने वाले पास नहीं, अधिकारी राजकारण लोग पास ही पैसा है, कौन सा डेवलपमेंट नहीं है, बोगस बजट होता है करोड़ों का, इनको सबको रेड डालना। और जो आईटी रेड डालते ये सीबीआई ने आईटी रेड डालता है, वो रेड डालने वाले को भी आईटी रेड वालों को महीने के एक बार रेड डालना उनको, क्यों इन्होंने मिल को कॉम्प्रोमाइज करको, कितने रेड डाले तो पैसे बांट ले को पूरा बर्बाद कर रहे सरकार सब, ये उन्होंने भी चोरा इनको कर उससे बड़े चोरा, ये चोरों को बड़े चोरों को महीने के एक बार डालना, ये लोगों को पूरा आईटी रेड डाल को ये सरकार में जमा करो, हमारे रेशमी इलाके डेवलपमेंट करो। मेरा नाम भगवान। This video presented by Inspire Global Group Institute. Learn to succeed. Institute offers a wide range of professional and technical courses. Currently offering 20% discounts. Visit for details and free career counseling at MG Road, Adarsh Nagar, Kalburgi.